हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी फ्रेंड्स को, फैमिली में जो जो लोग आज व्रत हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी की मंगल कामना पूरी हो। करवा चौथ का त्यौहार साल में एक बार ही मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करती हैं। करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ भी नहीं खाती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं और शाम को 16 श्रृंगार करने के बाद बहुत ही अच्छे से तैयार होती हैं और शुभ मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ देकर फिर पति के हाथ से ही पानी पीती हैं और जो भी खाना होता है मतलब अपना उपवास को तोड़ती हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है व्रत और सभी लोग करते हैं। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही पारण करती हैं ये ज़रूर है, क्योंकि चंद्रमा को देख के ही पारण करना होता है इस व्रत में, तो चंद्रमा का देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बाहर जब हम लोग रहते हैं ना, हम लोग जैसे बेंगलोर में रहते हैं वहाँ पे बादल होते हैं, क्लाउडी रहता है, तो वहाँ पे कभी कभी नहीं दिखता है, तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि किस तरीके से चंद्रमा को दें। तो इस साल तो हम लोग घर पर आए हुए थे, मम्मी पापा सभी के साथ में, ससुराल में हूँ मैं और यहाँ पे मम्मी के साथ में पूजा कर रही हूँ, उनका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ तो घर में जब हम लोग अपने घर में फेस्टिवल करते हैं कोई भी, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली भी अगर हम अपने घर में ही मनाते हैं तभी अच्छा लगता है, अकेले तो कोई भी फेस्टिवल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी होती है, बाहर जाना होता है हम लोगों को। हम लोगों ने छत में जैसे किया ना, तो यहाँ पे रोशनी की थोड़ी सी कमी थी जिसकी वजह से वीडियो और फ़ोटो की क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन ये वीडियो फिर भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती थी कि मैंने किस तरीके से करवा चौथ सेलिब्रेट किया और पूरी फैमिली के साथ में रहे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग इस त्यौहार का एक साल पूरा इंतज़ार करते हैं और फिर जब ये आता है तो तैयार होने का बहुत मन करता है, बहुत अच्छे से रेडी हों, तो जितना पॉसिबल होता है उतना रेडी होते हैं सभी लोग अपने अपने हिसाब से। यहीं पास में मेरा गांव भी है तो सभी लोग वहां पे भी रेडी हो रहे थे और सभी लोग अपना वीडियो कॉल कर रहे थे, फ़ोटो भी शेयर किया, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने मम्मी के साथ में किया, ऐसे हर साल तो ये हो जाता है अकेले ही हो जाता है, लेकिन इस साल मम्मी के साथ में पापा भी थे, हम लोग सब लोग साथ में किए तो बहुत अच्छा लगा। मेरी देवरानी भी थी लेकिन उसका वो टीचर है तो उसको जाना पड़ गया, नहीं तो वो भी होती। हम तीन लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी देवरानी है, मम्मी हैं, दीदी हैं, तो दीदी फ़ोटो शूट कर रही थी हम लोगों की। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं चंद्रमा को, हम लोग देखिए चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, मम्मी और हम दोनों ने साथ में किया और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ मतलब सब लोगों का अपना थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है ना, तो पहले हम लोग चारों दिशाओं में फेरी लेते हैं और चारों दिशाओं की भी पूजा करते हैं साथ में, और उसके बाद अपनी एक बालों की लट लेके उसको मम्मी जल दी थी, जल की धार से उसको धुला और उसके बाद फिर चंद्रमा जी को फूल माला जो भी हम लोगों ने चढ़ाया, और उसके बाद पूजा तो बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी नहीं होती है, कथा होती है, और कुछ कुछ जगहों पे कथा क्या है कि दिन डूबने के पहले ही कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ शाम को ही पूजा की जाती है, दिन में कोई भी पूजा नहीं हमारे यहाँ होती है। कहीं कहीं सरगी का भी चलन है, सुबह उठ के सरगी लेते हैं, मतलब कि सुबह वो जैसे ही दिन का स्टार्ट होता है प्रातःकाल वो लोग सरगी खाते हैं, हमारे यहाँ वो भी नहीं है और सिर्फ शाम को, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं भी इनका आशीर्वाद ले रही हूँ, भगवान हमेशा भी आशीर्वाद हम लोगों के साथ में बनाए रखें, हम दोनों साथ में रहें और सभी जोड़े हमेशा साथ में यूं ही खुश रहें, भगवान से यही मनोकामना मैं करती हूँ कि सभी लोगों का साथ आपस में बना रहे। पूरा दिन व्रत रहने के बाद ना मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी, मम्मी को भी भूख लग रही थी क्योंकि यहाँ पे कुछ खाया तो जाता नहीं है, तो जैसे ही पानी पिया और पानी तो बहुत ही अच्छा लगा, यकीन मानिए थोड़ी सी स्वीट्स खा के और पानी पी लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ क्या होता है फरे बनाए जाते हैं, करवा चौथ के दिन फरे बनना तो कंपलसरी है, फिर उसके साथ में दाल की परांठे बनाए जाते हैं और जो कुछ आप बना सकते हैं, दही बड़े बनाए जाते हैं, कढ़ी बनाई जाती है। आप लोग शेयर करिएगा कि करवा चौथ पे आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनाया जाता है। ये हमारे करवा बहुत ही प्यारे से करवा लेके आए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, हम लोग की साड़ी से मैच भी कर रहे थे।
तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को वंस अगेन। लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना ज़रूर चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।